हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर डोज में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HTML के ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर के बारे में, कैसे आप होल डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो बाकी बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हमें दे रखी है चेंजिंग पेज लेआउट यूजिंग HTML। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, यानी जो आपका पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट में क्या कहते हैं, आपके बैकग्राउंड कलर आते हैं पेज पे, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो किस कलर में आएगा, तो ये आपके पेज लेआउट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले दिया है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखा है वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज बाय यूजिंग द बिजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। यानी बॉडी टैग के अंदर हमें बिजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करना है और हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। हमें लिखना है बिजी कलर इक्वल कलर का नेम, जो भी आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। अगला दिया चेंजिंग द टेक्स्ट कलर। तो HTML अलाउज अस टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द कोड बाय यूजिंग द टेक्स्ट एट्रीब्यूट इन बॉडी टैग। इसके लिए हमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है बॉडी टैग के अंदर। वी कैन ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट कलर यूजिंग द कलर एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। बट इसमें होता क्या था, जब हम फॉन्ट टैग के अंदर कलर यूज करते हैं तो वो केवल उतना ही टेक्स्ट अफेक्टेड होता है जितना उस फॉन्ट टैग के अंदर लिखा होगा, उसके बाहर का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट दे रहे हैं तो वहां पे उसका कलर पूरे का चेंज होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है, इस एग्जांपल को आप नोटपैड में सेम ऐसे टाइप करके अपना प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिखा हुआ है बॉडी बिजी कलर रेड किया हुआ, आप यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, रेड जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है येलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज द वर्ल्ड www सर्विस। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में इसका कलर वगैरह चेंज होगा, बैकग्राउंड चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, इसका हम आउटपुट देखते हैं। पहले इस नोटपैड पे कोडिंग देख लेते हैं एक बार, इसकी नोटपैड पे कोडिंग किस तरीके से करनी है। तो ये आपके सामने आपको आपका नोटपैड दिख रहा है, आपको कोडिंग इस तरीके से करनी है, सेम जैसे हमने वहां पे एग्जांपल लिखा हुआ था बिल्कुल सेम कोडिंग आपको यहां पे करनी है। अभी फ्रेंड्स, आपको कोडिंग करने के बाद इसमें जो भी आपको लिखना है, हमने बॉडी टैग के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी है, ठीक है, व्हाट इज द www सर्विस, www सर्विस क्या है। आप यहाँ पे बहुत लंबा टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, उसका कलर जो आपने चेंज किया है येलो वही कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट कुछ इस तरीके से इसका आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे, इसमें लिखा है व्हाट इज www सर्विस, आप इसका कलर देख सकते हैं, जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसका कलर जो आ रहा है वो आपका येलो कलर आ रहा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ था रेड, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके पेज का बैकग्राउंड कलर है वो भी रेड हो गया है। आप रेड की जगह ग्रीन, ब्लू, ग्रे, नेवी जो भी यूज करना चाहते थे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जो भी कलर आपको चेंज करना है उस कलर का नेम टाइप किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं आगे। अगला हमारा दिया हुआ है यहाँ पे यूजिंग लिस्ट, यानी हम लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने के लिए HTML अलाउज अस टू क्रिएट सच लिस्ट टू एड क्लैरिटी ऑफ पेज, यानी जबकि लिस्ट होती है वो हम बना सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, हमें अलाउ है। दीज लिस्ट कैन सिंपल लिस्ट विदाउट नंबरिंग और ऑर्डर एंड लिस्ट विद नंबरिंग ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी जो आपका विदाउट नंबर होगा उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे और जो जिसमें नंबर्स यूज होते हैं उसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। टू टाइप्स की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और आपकी ऑर्डर लिस्ट। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम देख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें दिया HTML अलाउज अस टू रिप्रेजेंट अनऑर्डर लिस्ट यूजिंग द UL टैग, ए क्लोजिंग UL टैग, यानी हमें एक UL टैग करना है यूज करना है, उसके बाद एक क्लोजिंग UL टैग यूज करना है, और UL टैग के अंदर हमें लिखना है li टैग, यानी इसमें जो लिस्ट बन के आएगी उसमें हमारे नंबर्स वगैरह तो नहीं आएंगे, बट इसके लिए हमें li टैग का यूज करना है जिसमें हमारे बुलेट्स, सर्किल और स्क्वायर शेप्स हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सिंटेक्स मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंटेक्स इस तरीके से रहता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल हमें किस तरीके से आगे इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आगे आपके सामने यह स्क्रीन पे इसमें लिखा है नोट दैट द यूजिंग li टैग हैव क्रिएटेड द बुलेट्स फ्रॉम द ईच आइटम इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML अलाउज अस टू मेक एट ए UL टैग विद एंड अदर UL टैग, दिस इज ऑल्सो नॉन एज नेस्टिंग ऑफ UL टैग, यानी जो आपका UL टैग होता है आप उसके अंदर एक और UL टैग का यूज कर सकते हो जिसको हम नेस्टिंग UL टैग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसकी वैल्यू होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमें दिया है सर्किल, तो हमारा जो सर्किल होता है इसमें सिंपल सा एक सर्किल बन के आएगा जो अंदर ब्लैंक होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा डिस्क, डिस्क में हमारा बन के आता है बुलेट, और स्क्वायर में हमारा बन के आता है स्क्वायर शेप, जो अंदर ब्लैंक होता है उसमें अंदर कोई कलर वगैरह
नहीं होते। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपकी जो शेप्स होती हैं, थ्री टाइप्स के हम यूज़ कर सकते हैं, बुलेट, सर्किल, डिस्क और स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइटल दिया हुआ है जो हमारा टाइटल बार पे शो होगा अनऑर्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है यूएल टैग, यूएल टाइप हमने दिया है सर्किल, सर्किल में हमने एलआई लिखा है, ईमेल और चैट। फिर यूएल टाइप डिस्क हमने चेंज किया हुआ है, यानी हमने नेस्टेड यूएल टैग यूज़ किया जिसमें हमने लिखा है एलआई, इंस्टेंट मैसेजिंग और चैट रूम्स। फिर यूएल टैग यानी हमने जो नेस्टेड यूएल टैग था उसको क्लोज किया है, और ऊपर वाला जो यूएल टैग वो हमारा भी कंटिन्यू है, जिसमें हमने लिखा है एलआई टेलनेट, एलआई न्यूज़ ग्रुप। फिर अगला हमने नेस्टेड यूएल टैग ओपन किया है जिसमें एलआई पब्लिक, एलआई प्राइवेट लिखा है और नेस्टेड वाला क्लोज किया है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे नोट पैड पे देख लेते हैं हमें कोडिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स इसकी जो आपको कोडिंग करनी है वो नोट पैड पे कुछ इस तरीके से करनी है जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको कोडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है बिल्कुल सेम आपको इसी टाइप से कोड करना है अपने नोट पैड पे। इसमें ज़रा सा भी एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सही तरीके से आपको करना है। और अपने डॉक्यूमेंट को आपको पता है कैसे सेव करना है, फाइल का नेम देना है, साथ में .html एक्सटेंशन का यूज़ करना है। इसके बाद उसको हम वेब ब्राउजर पे ओपन करके देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो किस तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका जो आउटपुट आ रहा है, हमने यूएल टाइप में दिया था सर्किल, तो इसमें हमारा जो ईमेल था, चैट था, हमने सर्किल में लिखा था। फिर अगला नेस्टेड यूएल ओपन किया था जिसमें हमने इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स, डिस्क लगा के किया था। फिर उसके बाद हमने उसको यूएल को क्लोज किया था नेस्टिंग वाले को, और अगला हमारा कंटिन्यू रहा था ऊपर वाला सर्किल वाला जिसमें टेलनेट न्यूज़ ग्रुप लिखा है। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया है स्क्वायर लगा के नेस्टिंग यूएल। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो नेस्टिंग किया हुआ है वो आपका ईमेल लिखने के बाद उससे थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम नेस्टिंग यूएल टैग का यूज़ कर सकते हैं, एलआई लगाने से ही आपके बुलेट, सर्किल और जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं ये शेप्स यहाँ पे शो होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पूरा कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ओएल टैग इसके लिए हमें यूज़ करना है, इसके लिए हम एक क्लोजिंग ओएल टैग का यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट यूजिंग नंबर्स, ऑर्डर लिस्ट में हम नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने दिया है ओएल, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें ओएल लिखा हुआ है, ओएल टाइप इक्वल आप नंबर किस टाइप के चाहिए आपको पता है, हम यहाँ पे रोमन नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके फाइव टाइप की वैल्यूज़ होती हैं जो इस एट्रीब्यूट में टाइप एट्रीब्यूट के साथ में यूज़ की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ओएल के साथ में आपको जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो यूज़ करना है टाइप, टाइप इक्वल आप जो भी टाइप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ऐसे हमने फर्स्ट पॉइंट पर लिखा है 1 2 3, आपके इस टाइप नंबर्स भी दे सकते हैं, ए लिखेंगे तो ए बी सी नंबर्स आएंगे, स्मॉल अपर केस, ठीक है, आपका अपर केस रोमन, लोअर केस रोमन, इस टाइप से करेक्टर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका हम एक बार यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, नोट पैड पे हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोडिंग हमने करी हुई है वो कुछ इस टाइप से आपको सेम कोडिंग करनी है। हमने यहाँ ओएल टैग के अंदर कुछ भी टाइप नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट नंबर्स को लेगा, जो हमारी न्यूमेरिक नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये काउंट करेगा। तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ईमेल, चैट, टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस टाइप से आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है, इसमें आप ए बी सी का भी यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा हम इसमें रोमन नंबर्स यूज़ कर सकते थे, बताया था आपको फाइव वैल्यूज आप यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट आपके अपर केस लोअर केस, रोमन नंबर्स अपर केस लोअर केस, दोनों आप इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको टाइप एट्रीब्यूट लगाना है, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन टैग्स के अलावा, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अलावा, हमारी थ्री टाइप की और लिस्ट होती हैं, डेफिनेशन, ग्लॉसरी लिस्ट, डायरेक्टरी लिस्ट और मेन्यू लिस्ट। तो वन बाई वन हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनको हमें कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन और ग्लॉसरी लिस्ट। इसमें लिखा है एचटीएमएल प्रोवाइड्स द डेफिनेशन लिस्ट, जिसके लिए हमें यूज़ करना है डीएल टैग। टू क्रिएट सच अनमार्क्ड लिस्ट टू डिनोट्स डेफिनेशंस, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द डीटी इनसाइड द डीएल टैग। यानी जो हम डीएल टैग यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें डीटी का यूज़ करना है। जैसे हम यूएल और ओएल के अंदर एलआई टैग यूज़ कर रहे थे, सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, डीएल टैग के अंदर डीटी का यूज़ करना है। अगर हम डीटी यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो लिस्ट है वह क्रिएट नहीं होगा। जैसे ओएल और यूएल टैग के अंदर हम एलआई यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से हमें यूज़ करना है डीएल टैग के अंदर डीटी का, जो सिमिलर आपका बीआर टैग की तरह काम करता है। यानी जो आपका आगे हेडिंग लिखेगा वो नेक्स्ट लाइन में लिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड्स द डीटी दैट अलाउज द प्रेजेंट दैट डेफिनेशन
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन हमें डी डी करके देना है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें हमने लिखा हुआ है डी एल, डी एल के बाद ओपन किया है डी टी ई मेल, डी डी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन के लिए कौन सा टैग यूज़ किया है, डी डी टैग, और डी टी जो यूज़ किया है वो हमने लिस्ट को बनाने के लिए यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो हमें डॉट एस टी एम एल के साथ में सेव करना है नोट पैड पर, फिर इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा वेब ब्राउजर में ओपन करने पर। तो ये जो वेब ब्राउजर पर हमने ओपन किया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, ई मेल लिखा हुआ है हमारा हेडिंग जो हमने डी टी के लिखा था, फिर हमने डीडी लगाया था, डीडी में हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आप देख सकते हैं वो लाइन ब्रेक होके आगे से लिखा हुआ आ रहा है, चैट में ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विस, टेलनेट टेली कम्युनिकेशन सर्विस। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं, डायरेक्टरी लिस्ट और मेन्यू लिस्ट, ये दोनों आपके लगभग सेम होते हैं, दोनों का एक ही जैसा यूज होता है, ये सेम आपके यूएल और ओएल टैग की तरह होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनके अंदर भी हमें एलआई का यूज करना पड़ता है, डीआईआर टैग और मेन्यू टैग। डायरेक्टरी टैग के लिए हम यूज करते हैं डीआईआर टैग, और मेन्यू टैग के मेन्यू लिस्ट के लिए यूज करते हैं मेन्यू टैग। दोनों में आपके जो डेटा बनता है वह बुलेट्स वाला बनता है, कौन सा बनता है, बुलेट्स, यानी जो डिस्क हमारा था अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसी शेप में आपका सारा का सारा डेटा आता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल दिया, आप इस एग्जांपल को नोटपैड में टाइप करिए, नोटपैड में जब आप टाइप करके वेब ब्राउजर में सेव करना है डॉट एस टी एम एल के साथ में, उसके बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे बुलेट्स बन के आ रहे हैं, जो आपको बताया था डिस्क सेप वो यहाँ पे बन के आ रहा है, इसमें लिखा है ईमेल, चैट, और फिर चैट लिखा है यहाँ पे, टेलनेट वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लिस्ट है वह बन के आएगा, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू या डायरेक्टरी लिस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मेन्यू लिस्ट और डायरेक्टरी लिस्ट लगभग आपकी दोनों सेम रहती हैं, आपको दोनों को इस तरीके से यूज करना है। तो फ्रेंड्स आपको डॉट एस टी एम एल के साथ में इसको सेव करना होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए पेज, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए पेज में हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी था। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताया हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का क्वेश्चन है आपका, विच टैग इज यूज फॉर क्रिएट डेफिनेशन और ग्लॉसरी लिस्ट, इनमें से कौन सा टैग आपका यूज होता है डेफिनेशन और ग्रोसरी लिस्ट को बनाने के लिए, टी डी डी एल, आपका डी जी डी आई आर, इनमें से जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इन फ्यूचर आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं।